हे गाइज वेलकम बैक टू निपटोस। तो गाइज अभी दिन के 2 बज रहे हैं भाई। गाइज बस आ गई है मेरी, ये वाली बस है देखो। हाय हाय, थैंक यू। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 2:20 और मैं आ चुका भाई 7 Avenue 8 स्ट्रीट पे। मैं जा रहा हूँ अभी सीनुक सेंटर। ये मेरी टिकट है, तो ये टिकट है भाई 350, मतलब $3.50 की सब। तो यहाँ पे एक चीज़ सही है कि मतलब एक ही टिकट से आप बस और ट्रेन दोनों यूज कर सकते हो। तो गाइज ट्रेन निकल गई मेरी यार, सीट। तो गाइज अभी ट्रेन तो निकल चुकी है और अभी 15 मिनट बाद दिखा रही है दूसरी ट्रेन। तो तब तक मैंने यहाँ की बिल्डिंग है आपको दिखाता हूँ डाउन टाउन। तो भाई ये सामने स्टॉप है मेट्रो ट्रेन का, जो भी है, मतलब कोई मेट्रो बोलता है कोई ट्रेन बोलता है। एंड ये है भाई पूरा डाउन टाउन और ये भाई बिल्डिंग है, देख लो इसको एक बार थोड़ा सा ना अल्ट्रा वाइड पे कर। तो भाई कुछ इस तरीके से दिखता है डाउन टाउन यहाँ पे। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 2:40 एंड फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सीनिक सेंटर पर। तो बाकी भाई यहाँ पे ना वेदर का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, जब भी बाहर निकलते हो ना एक बैग अपने पास ज़रूर रखा करो जिसमें भाई ग्लव्स, कैप, जैकेट वगैरह आपकी हर टाइम होनी चाहिए। जब मैं घर से निकला इतनी अच्छी खासी धूप थी, मतलब सही मौसम था। और अब भी देखो 20 मिनट बाद अभी वेदर इतना ख़राब हो चुका है, काफ़ी ठंड लग रही है मतलब अभी। तो ये चीज़ है यहाँ पे, काफ़ी सही लग रहा है यार यहाँ पे, मतलब देखते हैं अभी मॉल के अंदर जाकर कैसा है। ये है सीनुक सेंटर सामने। तो गाइस फाइनली हम अंदर आ चुके हैं अभी मॉल के सीनुक सेंटर के, और यहाँ पे भाई काफ़ी सारे फूड कोर्ट हैं यार। वाह, आज संडे भी है और फुल क्राउड है मतलब अंदर यार। गाइस क्राउड देखो इधर, क्राउड यार ये अभी देखो राइट साइड में फुल क्राउड है भाई आज तो, ये देख रहे हो। तो अभी थोड़ा सा पहले हम मॉल अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ देखते क्या। ये तो सारे फूड कोर्ट है भाई इस साइड में। सो गाइज अभी इस साइड में ना सारे शोरूम है शूज एंड गारमेंट्स के, सारे शोरूम है इस साइड में और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है भाई यहाँ पे देख रहे हो। एक तो आज संडे है ना, संडे की वैसे भी हो सकता है। ये वाली शॉप देख रहे हो गाइज, यहाँ पे पूरी कैप ही कैप है, कस्टम भी करते हैं लोग यहाँ पे, मशीन लगी हुई है कैप्स ओनली। हाय हाउ आर यू गाइस, यहाँ पे ना सेल चल रही है, स्टोर क्लोज सेल 15% और लेस, मतलब अंदर जाके मैंने अभी देखा 50% ऑफ चल रहा है भाई, 50% ऑफ है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:20 और भाई मेरे को ना पता नहीं चला यहाँ पे मतलब 2.25 घंटे कब हो गए। एंड काफ़ी बड़ा मॉल है भाई, इसके अंदर घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए एंड साथ में एक दो फ्रेंड होने चाहिए साथ में, तब मज़ा आएगा। अकेले अकेले में यार ऐसा कुछ मज़ा आने वाला नहीं है। बाकी इसके अंदर भाई शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे स्टोर है एंड अभी मैं अपने स्टोर की तरफ जा रहा हूँ। सुबह ये भी टाइम हो रहा है 5:55 एंड अभी मैं एप्पल स्टोर से बाहर आ चुका हूँ भाई। एप्पल स्टोर के अंदर क्या क्राउड है यार, लाइन लगी पड़ी है पूरी। तो अभी यार भूख लग गई बड़ी तेज़ की, तो कुछ खाने वाने का जुगाड़ देखते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। टाइम ज़्यादा हो चुका है, मतलब 6 बजे इधर अंदर हो जाता पूरा। गाइस अभी 6 बजे हैं और ये वाली साइड है ना, इस साइड की पूरी जो शॉप है ना, जो भी जितने भी सारे स्टोर हैं सारे ऑलमोस्ट बंद हो गए धीरे धीरे करके, आधे तो मतलब बंद हो चुके हैं। एंड जिस साइड से मैं एंटर हुआ था ना ये वाली साइड है इधर से, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्राउड है अभी इस साइड में।
तो कुछ खाने वाने का देखते हैं भाई पहले, और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। टाइम हो रहा है 6:20 और मैं सिविक सेंटर से भाई बाहर आ चुका हूँ। एंड अभी ट्रेन का देखते हैं, टाइम चेक करना पड़ेगा अभी मेरे को, कौन कौन से टाइम में ट्रेन है। हर 10 मिनट में निकलती है, 10 से 15 मिनट में। सो गाइज अभी ट्रेन 10 मिनट में आने वाली है। एंड ये जो सुबह वाली टिकट थी ये तो भाई इसकी जो है इसका जो है टाइमिंग जो है ख़त्म हो गया, 90 मिनट का टाइमिंग रहता है जो मैंने बताया था आपको। बाकी अभी मेरे को ना दूसरी टिकट बाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर मशीन लगी रहती है तो वहाँ पर चलते हैं और पहले टिकट बाई कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ट्रेन का आने का टाइम हो चुका है। तो भाई 4 मिनट बच गए ट्रेन आने में और मैं ना पीछे चला गया था, टिकट मशीन यहाँ पे लगी हुई है, तो प्रोसेसिंग हो रही है और टिकट जो है अपनी आ चुकी है। ओह माय गॉड, फुल क्राउड है भाई इस टाइम पे। तो भाई 6:40 हो रहे हैं एंड अभी मैं डाउनटाउन पहुंच चुका। डाउनटाउन से भी थोड़ा आगे आ गया, 2 स्टॉप आगे मेरे को 8th स्ट्रीट पर उतना था, और जो ट्रेन है ना वो 7th स्ट्रीट से ही, मतलब वो उसने दूसरा रास्ता ले लिया, मतलब दूसरी जगह से लेफ्ट होगी वो, राइट होगी और मैं 2 स्टॉप आगे आ चुका हूँ अभी। तो भाई अभी ट्रेन आने के लिए 5 मिनट बाकी हैं एंड भाई पूरा ये देख रहे हो, पूरा स्टेशन भाई खाली पड़ा हुआ, 2-4 बंदे दिख रहे हैं इधर। सात बज के 5 मिनट हो रहे हैं और वापस भाई 8th स्ट्रीट पे आ चुका हूँ मैं अभी। एंड इसी स्टॉप से सुबह बैठा था मैं, मतलब सिविक सेंटर के लिए, तो मैंने सोचा था इधर से ही ट्रेन होके जाएगी, बट वो इधर से नहीं, वो 7th स्ट्रीट से ना राइट हो गई थी, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा, प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। एक्चुअली मेरे को 2 नंबर बस लेनी थी सामने से, बट क्या हुआ ना मेरे को थोड़ा सा सेफ वे में जाना है, सिर्फ एक स्टोर का नाम है जहाँ पर ग्रोसरी वगैरह मिलती, तो आज जिम पर खाना बनाना पड़ेगा तो देखते हैं, इसके लिए मेरे को स्टोर में आना पड़ रहा है। चिकन और यहाँ पे मैरिनेट वाला भी है भाई, सब मिलेगा आपको इधर। ड्रम स्टिक फैमिली साइज भाई $14 का, बहुत महंगा है रे बाबा, इतना महंगा खाएंगे तो भाई घर क्या भेजेंगे फिर। तो यार मैं पहले सामान ले लेता हूँ उसके बाद बात करते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ऐसे कैमरे के साथ में ना। तो गाइस ये मेरा बस स्टॉप है, 2 नंबर 13 नंबर यहाँ से आएगी और यहाँ पे रुकेगी, मतलब तो यहाँ पे ऐसे भी बस स्टॉप होते हैं जो खंभे पे प्लेट चिपका देते हैं, उस पर बस नंबर लिखा रहता है, वहाँ पे आके बस रुकती है। तो गाइस अभी मैं स्टोर से बाहर आ चुका हूँ एंड बस का मैंने चेक किया टाइम, तो भाई 20 मिनट दिखा रही है, तो उससे पहले ना मैं पैदल रूम पर पहुँच जाऊँगा, इतने टाइम में तो उसका वेट करने का फ़ायदा नहीं है। बाकी टिकट वैसे मेरे पड़ी हुई है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट इतना टाइम वेट करने का कोई मतलब दुख बनता नहीं है, तो पैदल चलते हैं आराम से। एंड भाई स्टोर से मैंने कुछ भी लिया नहीं है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया क्या लेना है क्या नहीं लेने का, तो एक ग्रोसरी का ऐसे ही होता है, मतलब या तो लिस्ट बना के लेके जाओ रूम से पहले, तब को समझ आता है ये लिया और फटाफट निकल गए। तो मैंने अंडे लिए, तो आज एग करी बनाते हैं और फ्रेंड को बोलता हूँ भाई उसके रेस्टोरेंट से एक्स्ट्रा ब्रेड लेके आएगा, और ब्रेड और एग करी चलेगी आज। तो इसी लाइन में भाई मेरा रेस्टोरेंट भी आके, तो मैं बैक साइड से जा रहा हूँ पीछे से शॉर्टकट, तो रेस्टोरेंट आपको कभी किसी और दिन दिखाऊँगा। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। हाथ में उठा नहीं सकता, हाथ में मेरे ना अंडे अभी, तो समझ जाओ अभी, बाय।